कि अभी चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने भी हरी झंडी दिखा दी है चुनाव को लेकर। और जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है कि चुनाव नवंबर से पहले हो जानी है 29 नवंबर से, तो सभी पार्टियां हैं काफ़ी जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लग गई है और सब कोई मैदान में उतर गया है। तो अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसानों के हित के बारे में बात करते हैं, जो जवानों का मुद्दा उठाते हैं, जो आम जन के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसी पार्टी की बात कर रही हूँ जिनका नाम ही है जवान किसान मोर्चा। तो आइए जानते हैं, अभी हमारे साथ हैं राकेश कुमार रंजन जी, उनकी पार्टी के बारे में कि वो खुद भी सेना में रह चुके हैं, वो खुद एक जवान हैं, तो वो लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो राकेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपका क्या एजेंडा है, आपकी पार्टी की क्या विशेषता है? जैसा कि हमारे पार्टी का नाम है जवान किसान मोर्चा, हम लोग जो युद्ध में जाते थे तो ऑपरेशन मुकम्मल मोर्चा समाज से जीतने के लिए, उसी तरह ये दो व्यक्ति जो है जवान और किसान, यही दोनों हैं जो अपने फील्ड में मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर जो ये दोनों अपना मोर्चा छोड़ दे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश के खाद्य पद्धति कहाँ चला जाएगा। इन्हीं दोनों को लेकर के सभी बड़ी पार्टियाँ सत्ता में आती है, सत्ता का सुख भोगती है, इन्हीं लोगों को सिर्फ पोस्टर बॉय बना करके रख दिया है। उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया आज़ादी से लेके अभी तक, सिर्फ चुनावी वायदे होते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। आज भी आप गांव में जाकर देखें उस किसान को, तो वही फटे हुए धोती और कुर्ता और गंजी में धूप में चिलचिलाती धूप में वो काम करते नजर आएंगे, और वो काम का जो उनका अनाज आता है उसका उनका एक मजदूरी भी नहीं निकल पाता है, इसका सरकार को नहीं पता है। उसी चीज़ को लेकर के, उन्हीं का दर्द को लेकर के हमने एक जवान किसान मोर्चा को, हमारे अभिभावक हैं कमलाड़ी सिंह सर, उन्होंने 2000 में ही बनाया था इस पार्टी को, लेकिन उस समय तक हमारी पार्टी इतनी सक्षम नहीं हो पाई थी कि 243 विधानसभा सीट पर लड़ सके। सर, क्या लगता है कि इस बार आपको जनता के बीच अपनी पकड़ बना पाएंगे? जी हाँ, हमारी कोशिश जारी है। तकरीबन 40 सीट पर हमारे अभी जितने भी कार्यकर्ता हैं काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस बन रहा है। जो एक कहावत हो रहा है बिहार में कि ऑप्शन क्या है, तो वो लोग हमें एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। सर, जो 15 साल से जो नीतीश सरकार है, जो आरजेडी भी लगी हुई है, एक तरफ जेडीयू भी है, तो उन सबके बीच में आप अपना वर्चस्व, अपनी पार्टी का मतलब लोगों तक किस तरह से पहुँचाइएगा? देखिए, हमारी पार्टी एक अलग ही मुद्दा लेकर के आई है। हम उनके तरह पैसे और दौलत, राजनीतिक पकड़ और दबंगई के ऊपर हम अपना काम नहीं करने जा रहे हैं। जनता को सब कुछ पता है, सब जानती है जनता, लेकिन उनको एक ऑप्शन चाहिए कि वो करे क्या। क्या उनको दर्द नहीं है कि वो बाहर आज मजदूर से लेके बड़े कॉरपोरेट बिहार में नहीं रहना चाहते हैं, आज पलायन कर गए हैं यहाँ से। आज बिहार में कोरोना टाइम में वापस आने वाले सबसे ज़्यादा मजदूर बिहारी थे जो रोड पर चल रहे थे। किसी का भी सत्ता हो, 15 साल की सिर्फ एक दूसरे को चोर बता रहे हैं। जनता पूछती है आप हमारे लिए क्या किए, वो बताइए ना मुझे। आज उन मजदूरों के लिए क्या किया जो कि पैदल वहाँ से आए, क्या हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे बिहार में पैसे नहीं थे, आज आपको चुनाव कराने के लिए पैसे हैं। उन मजदूरों को क्या हमारे पास बस की कमी थी, रेल की कमी थी, क्या थी? सिर्फ कमी थी सोच की कमी थी, जो कि वो अपने सत्ता सुख भोगने में लगे रहे और मजदूरों को ध्यान नहीं दिया। सर, आप अगर ये चुनाव जीतते हैं तो किसान के लिए या जवान के लिए आप सबसे पहले क्या करना चाहिएगा, और उसके साथ साथ आम जनता जो है जो इस विपदा की घड़ी में काफ़ी सरकार से मदद का सहयोग चाह रही थी कि लोग सहयोग करें, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, तो आप क्या करिएगा? हमारा 3 मुद्दा है मेन, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहला चीज़ है कि जो समाज में एक मौलिक अधिकार होता है हर व्यक्ति का, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, ये 3 चीज़ें उनको मिल जाए तो उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। मेहनत करके वो अपना पेट पाल सकते हैं, इतना हमारे बिहारियों में सक्षम है, इतनी दक्षता है कि वो अपना पेट भर सकते हैं, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। लेकिन जो उनका मौलिक अधिकार है, जो मिलना चाहिए, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो उनके पास नहीं पहुँचता है। सिर्फ वायदे होते हैं, फंडिंग होता है, बट वो कहाँ चला जाता है वो किसी को नहीं पता चलता है, और बाद में जो वोट लेकर के उनको वहाँ भेजा है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं सेना में 15 साल रहा, एक मैं मरीन कमांडो था, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे
सेशंस किए। 15 साल बाद मैं एक साल के लिए फॉरेन गया था, 50-60 कंट्री घूमा मैं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना क्योंकि एक वर्ड्स मुझे चुभता था। बचपन से मैं बाहर 16.5 साल में बाहर चला गया था, बिहारी, वो एक पीस की तरह चुभता था। कहीं भी जाओ आप, 7-स्टार होटल में रुको, 5-स्टार होटल में रुको, तो एक पूछता था बिहारी हो, वो बिहारी व्यंग होता था। जो एक दौर था हमारे यहाँ कि कहाँ से हो, लालू के यहाँ का हो, एक वर्ड्स होता था, ये नहीं बोलता था कि बिहार के हो, लालू के यहाँ का हो, तो वो एक वर्ड्स जो है ना वो चुभता था हमें। आज इतनी अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ करके हम लोग आज यहाँ आके स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ समाज को सुधारने के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा इतना पेंशन मिल रहा है कि हम अपने पेंशन से अपने जीवन यापन करने के लिए सक्षम हैं, अपने बच्चों को हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन आज 82 ईयर्स के हमारे सर हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं, इनको क्या चाहिए, सत्ता भोगना है या इनको पैसा कमाना है? इनके पास इतनी क्षमता है कि अपने घर परिवार अपना पेट चला रहे हैं, साथ में समाज सेवा भी कर रहे हैं उसी पैसे से। तो जब समाज सेवा हम लोग इतने से खर्चे में कर सकते हैं तो सरकार वो काम क्यों नहीं कर सकती है? आज हम सरकार के पैरेलल हम मुहिम चलाए हुए हैं स्वरोजगार का, काम देने का, बिजनेस बढ़ाने का। अगर वो सरकार करती तो हमारे जैसे युवाओं को, सर के जैसे युवा योद्धाओं को आगे आकर के समाज में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, जैसा कि देखा जा रहा है बाकी पार्टी में टिकट के लिए वोट मशीन में है, तो आप कैसे कैंडिडेट्स को आप टिकट दोगे? हमारे यहाँ पूरा उल्टा है, उनके यहाँ टिकट लेने वाले नाक रगड़ रहे हैं पैसा लेके जाके, और हम लोग समाज में खुद जा रहे हैं जहाँ पता चलता है कि कोरोना काल में हो या युद्ध में किसी तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं, पब्लिक लड़का यूथ नौकरी छोड़ के आकर के वहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। वो बोलता है कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, इसके लिए तो लाखों लाख रुपए चाहिए। तो मैं समाज में जाता हूँ, समाज को जगाता हूँ जाकर के। मैं आप सोशल मीडिया पर आप देखिएगा जाकर के हमारा यूट्यूब में कि मैं हम लोग जा करके सर लोग सब पूरी टीम जाती है अपने खर्चे पर जाके उनको जगाते हैं कि इस योद्धा को आगे बढ़ाइए आप लोग, आपके समाज का लड़का है, विपत्ति में आपके साथ खड़ा था तो आगे भी खड़ा रहेगा। चाहे आपको 100-150 रुपये चंदा करके उनको आप दीजिए, आप उनको इलेक्शन लड़ाइए। मैं फिर वो ट्रेंड लाने वाला हूँ जहाँ पर गरीब आदमी इलेक्शन लड़ता था, झोला लेकर के चलता था राजनेता, आज वो ट्रेंड चेंज हो गया है। आज उस पैजामा कुर्ता को उन्होंने एक ऐसा दर्जा दे दिया, उद्योग का दर्जा, कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 30-30 लाख की गाड़ियों में वो आते हैं घूमने के लिए। जो कि एक मजदूर सोचता है कि मैं इस गाड़ी को छूँगा तो गंदा हो जाएगा, मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन वो एक दौर था जब एक झोला लेके एक राजनेता जाता था गाँव में, तो पूरी गाँव इकट्ठा होकर उसका पैर छूता था और उसकी बात करता था और उसकी वोट भी देता था। लेकिन आज का समय बड़ी बड़ी गाड़ियाँ से जाते हैं आपके तरफ मुँह घुमा लेता है पब्लिक, क्यों? क्योंकि आपने उस ट्रेंड को चेंज कर दिया है। मैं उस दौर को फिर से लाने वाला हूँ। तो ये थे जवान किसान मोर्चा के उम्मीदवार राकेश कुमार रंजन जी, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमारे देश के प्रहरी हमारे जवान के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, पूरे देश में ये विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये 15 साल सेना के लिए काम कर चुके हैं और उसके बाद एक टीस उठती थी, जी हाँ, टीस किस बात की, जब भी बाहर जाते थे तो इन्हें ये व्यंगात्मक टिप्पणी में सुनने को मिलती थी कि ये बिहार के हैं, बिहार वही बिहार जो लालू का है, तो एक व्यंगनात्मक टिप्पणी भी से कह सकते हैं। और एक टीस जो उठती है उसके बाद एक युवा जो होता है जाग जाता है और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, और इसी भावना के साथ ये भी एक मोर्चा चला रहे हैं जवान को लेकर, किसान को लेकर और पूरी आम जनता को लेकर कि वे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और इस विधानसभा चुनाव को लेकर ये काफ़ी तैयार हैं और लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ कर्नल आरडी सिंह हैं जिन्होंने जवान किसान मोर्चा का स्थापना किया है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में, उनसे कि उन्होंने ये पार्टी की स्थापना क्यों की, किसने की और वो दानापुर विधानसभा के लिए क्या करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। सर, आपने किसान जवान किसान मोर्चा का जो ये स्थापना किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जवान शब्द से सिर्फ मतलब जो सेना में है वही जवान नहीं है। मैं उस हर भारतीय को जवान मानता हूँ, चाहे उम्र किसी की हो, अगर भारतीयता की लहू उसके अंदर बहती है तो वो जवान है। जवान और किसान, ये दोनों भारत की शान है।
और आज इस देश में इन्हीं सबों का सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है। तो ये दुख की बात है कि जिसने सरहदों पर अगर हम जागते हैं तो भारत सोता है। हमारा किसान, हमारा गार्जियन किसान अगर खेतों में जाकर के अपना फसल उपजाता है तो भारत वर्ष अपना पेट भरता है। लेकिन दुख की बात है कि एयर कंडीशन में बैठ कर के लोग उनके फसल का कीमत वो लगाते हैं जिनको कभी पसीना नहीं बहा है। तो उनको क्या मालूम है कि किसानों की कितनी मेहनत करते हैं और क्या उपजाते हैं। मतलब किसान जैसे आप अभी पसंद नहीं है या सही नहीं है आपके लिए, क्या कहेंगे? अभी बात यह है कि हम लोगों ने उसका स्टडी नहीं किया कि किसान बिल में इन्होंने क्या पास किया है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ अभी। लेकिन जब मैं स्टडी करूँगा तो उसके लिए हम लोगों को चाहे सही होगा अगर किसानों के हक में तब तो हम उसका साथ देंगे, और नहीं होगा तो हम उसके लिए वो बिल्कुल फूकेंगे कि जेपी आंदोलन को याद दिला देंगे इस सरकार को। क्योंकि हम लोग समर्पित आदमी, हमें अब अपने जीवन से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम जी रहे हैं अब दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। दानापुर विधानसभा क्षेत्र आज तक मैंने ऐसे लोगों के इसमें रहा ना जिसके पास कोई शिक्षा है, ना कोई दिशा है, ना दशा है। जितने लोग अब क्रिमिनल की पत्नी को टिकट दे दिया गया वो क्या करेगी, कभी भी इस क्षेत्र में आकर के उसने नहीं देखा कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। तो हम लोगों में यही ये है कि हम जो राजनीति कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम वो पाठ पढ़े हैं जिसमें जाति धर्म का नाम नहीं, हम वो पाठ पढ़े हैं जिसमें जाति धर्म का नाम नहीं, नफरत की दीवार नहीं, कोई मजहब की तकरार नहीं। सर, आप कर्नल रहे हैं तो आप देश के लिए बहुत योगदान दिए हैं, उसके बारे में देखिए। देश के बारे में क्या बताऊं, मैं 3 लड़ाइयां लड़ा हूं पर्सनली, 62, 65 और 71 की लड़ाई, और तीनों में 62 वाले में तो हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, हमारे पास आज़ादी के बाद सिर्फ जो बचे खुचे चीज थे वही हथियार थे, वही अमुनिशन था, कोई विकास नहीं था, इसलिए उसमें हमारी सेना पछड़ गई और हम लोग सरहद से हम लोगों को हटना पड़ा। लेकिन वही चीज़ जब 65 में हुआ तो पाकिस्तान को उसके राजधानी तक हम लोगों ने पहुंचा दिया था, अगर वो बांध नहीं काटा होता नहर का तो हम लोग उसके इस इलाके में घुस गए होते। ये हमारी सेना की बहादुरी थी। और जितना भी, इसीलिए कहता हूँ ना कि सैनिकों की कोई जात नहीं होती, किसानों की कोई जात नहीं होती, तो हम लोगों का कोई जात नहीं है बाबू, हम लोग तो सबके लिए जीते हैं और मरेंगे तो सबके लिए मरेंगे, उद्देश्य यही है हम लोगों का। और दानापुर को तो मेरा ये उद्देश्य है कि हमारा जो भी प्रत्याशी जीत कर जाएगा विधानसभा के जो सत्र चलेंगे उस पीरियड में सिर्फ पटना में रहेगा, उसके बाद पटना में उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने क्षेत्र में जाए, हफ्ते भर का प्रोग्राम बनाए, आज मैं यहाँ कल वहाँ, ताकि हर जनता से उसका दुख दर्द जान सके और उसके समाधान का वो कार्य करे। मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है। आज तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं हुआ है जो अपने क्षेत्र में रहे, वो पटना अगोरता है, एसी में बैठता है, जो कभी देखा नहीं, तो अभी तो उसको उससे बाहर निकलना होगा, और नहीं तो उन लोगों को राजनीति छोड़नी होगी। और हम लोग जब रास्ते में आ गए हैं तो इनको बता देने की राजनीति होती क्या और कैसे होती है। जो फितरत रही है वो यही रहा है कि मैं अमीर कैसे बनूं, और इसी में ये लोग ये होकर के रह गया है। और देश के नेताओं ने इस लोग यहाँ के लोगों के साथ क्या किया है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन के कफन बेच देंगे, वतन के पहरुए अगर सो गए तो ये नेता तुम्हारा वतन बेच देंगे, ये नेता तुम्हारा वतन बेच देंगे। अब इसी से जनता समझ ले कि हाँ हम में और उनमें क्या अंतर है। धन्यवाद। तो ये थे कर्नल आरडी सिंह, जिन्होंने जवान किसान मोर्चा की स्थापना की थी, और वो इस देश में कुछ करना चाहते थे, और वो इस क्षेत्र के लिए, दानापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ जो विकास रुका हुआ है, जो थम सा गया है, उसको ये फिर से विकसित और एक सुंदर दानापुर बनाना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ।
अगर आपने हमारे आर्मेड न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल में बने बेल आइकन को दबा लें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं, इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं।